कि भगवान इतने सुंदर हैं कि अगर उनके एक अंग पर नजर चला जाए तो बस आंखें उसी अंग को ही देखते रह जाती हैं, आंखें उस अंग को छोड़ करके हटना चाहती ही नहीं है। आंखें जो है उस अंग से हट करके दूसरे अंग पर जाती ही नहीं है। इतने सुंदर है हमारे भगवान। इस बात को एक कथा के द्वारा समझ सकते हैं। एक बार वृंदावन में बहुत सारी गोपियां जो है एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रो रही थी। तब तक वहां एक गोपी आई और उसने उन सारे रोते हुए गोपियों में से एक गोपी से पूछा कि सखी तू क्यों रो रही है। उस समय एक गोपी ने कहा कि मैं क्या बताऊं, आज जब हमारे प्राण प्रीतम यशोदानंदन कुंज बिहारी वृंदावन बिहारी हमारे श्याम सुंदर जब गौ चारण करने के लिए जा रहे थे तो मैं उनके मोर मुकुट को देखी ना, तो बस मैं मोर मुकुट को ही देखते रह गई। तब तक वे आगे चले गए और मैं उनके मुख कमल को नहीं देख पाई, इसलिए मैं रो रही हूं, अपने दुर्भाग्य पर रो रही हूं। तब तक उस गोपी ने दूसरे गोपी से पूछा कि बहन तू क्यों रो रही है। उस समय दूसरे गोपी ने कहा कि हे सखी मैं क्या बताऊं, आज जब हमारे राधा रमन जी, आज जब हमारे बांके बिहारी जी, आज जब यशोदा दुलाल वृंदावन बिहारी जब गौ चारण करने के लिए जा रहे थे ना, तो मैं उनके गले में लटकती हुई फूल माला को देखी ना, तो बस मैं उनके फूल माला को ही देखते रह गई, मैं उनके जुगल चरण कमल का दर्शन नहीं कर पाई। तब तक वो आगे चले गए, इसलिए मैं रो रही हूं कि जीवन किस काम का जब इन आंखों से श्री ठाकुर जी के चरण कमलों का दर्शन नहीं हुआ। उस समय उस गोपी ने तीसरे गोपी से पूछा सखी तू क्यों रो रही है। उस समय तीसरे गोपी ने कहा कि मैं क्या बताऊं, आज जब हमारे कमल नयन हमारे सुंदर श्री ठाकुर जी श्याम सुंदर जब गौ चारण करने के लिए जा रहे थे ना, तो मैं उनके गाल को देखी ना, उनके सुंदर गाल को देखी, तो बस गाल को ही देखते रह गई, मैं उनके मुख पर जो होठों की मुस्कान है उस मुस्कान से युक्त होठों को नहीं देख पाई, इसलिए मैं रो रही हूं। जिन होठों से जिन अधरों से सदैव निरंतर नित्य जो है मुस्कान की अमृत धारा बहते ही रहती है, मुस्कान की झरना गिरते ही रहती है, ऐसे होठों का दर्शन नहीं कर पाई, इसलिए मैं रो रही हूं। प्रसंग बड़ा है, सार बात यह है, इस प्रसंग से साबित होता है भगवान कृष्ण इतने सुंदर है कि उनके एक अंग पर नजर चला जाए तो बस आंखें उसी अंग को ही देखते रह जाती हैं। आंखें उस अंग से हट करके दूसरे अंग पर जाती ही नहीं है। इतने हैं, इतने सुंदर हैं हमारे श्री ठाकुर जी।